हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्त। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य जी लाइव टच। तो दोस्तों, आज की फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, बहुत यानी कई दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस उस वक्त तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। और ज़्यादातर दोस्तों उस बीच भी सभी द्वारा या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, अगर आती तो मैं जहाँ तक कोशिश करके मैं आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो सभी द्वारा कल इन्फॉर्मेशन आई है, यानी कि 16 अक्टूबर 2019 को इन्फॉर्मेशन आई, आज मैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को विधिवत बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन दोस्तों ने ये मानकर आए हैं कि पैसा मिलना शुरू हो गया, चलिए इसमें वो इन्फॉर्मेशन है, तो दोस्तों मैं आप माफ़ी चाहता हूं कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। सभी द्वारा की नोटिस आई है, उसको नोटिस पहले हम लोग देखेंगे। ओके दोस्त, तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे चैनल पहली बार है, प्लीज़ हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करके जो लाल रेंड का कलर है इसको दबा करके ऑन कर लीजिएगा, और साथ में आगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी, क्योंकि डेली इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, और हर चीज फंड से जुड़ी और हर टेक्निकल वीडियो से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले चलता हूँ सेबी की वेबसाइट पर, जहाँ पर सेबी ने हम लोगों को नोटिस दिया। देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए अक्टूबर 16, 2019। जी हाँ दोस्तों, तो क्योंकि 23 अगस्त से इन्होंने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, और यहाँ पर 23 अगस्त के बाद सीधा 16 अक्टूबर को इन्फॉर्मेशन आया, और 23 अगस्त के आसपास ही हमने आप लोगों को वीडियो देना शायद बंद कर दिया था, क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सेबी ने अगर बीच में कोई भी इन्फॉर्मेशन देते तो मैं आप लोगों को जहाँ तक कोशिश करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आज दे रहा हूँ। कल इन्होंने मैंने देखा कि कल शाम को ये अपलोड हुआ है, तो मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों चलिए मैं इसके में इन्होंने इस नोटिस में इन्होंने क्या बताया है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर पब्लिक नोटिस इन द मैटर ऑफ पीएसएल के बारे में पब्लिक को उन्होंने जो नोटिस भेजा है, यहाँ देख लीजिए 16 अक्टूबर 2019 पब्लिश नोटिस में, आप लोग यहाँ पर आइएगा, और इसको जिन दोस्तों ने को इंग्लिश में पढ़ना है या फिर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, वे लोग यहाँ पर आ करके इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्त, इसमें कुछ छिपाने और उस तरह का बात नहीं है कि नहीं मैं कहीं और से बता रहा हूँ, तो चाहे आप लोग चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों को इंग्लिश में पढ़ना है वो लोग या इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ओके दोस्त, अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं या फिर इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते, सीधा आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी कि आज की डेट यानी कि अक्टूबर 17 अक्टूबर को ये अपलोड हुआ है पीएसएल न्यू टुडे पीएसएल लिमिटेड के निवेशकों को नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आएंगे और अपने बारे में देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको विस्तार से बता देता हूँ, इसमें क्या आया है नोटिस जो है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर आया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी दिनांक 2 फरवरी 2016 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुब्रत भट्टाचार्य सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया CA 13301/2015 के मामले में पारित किया गया है, और अन्य जुड़े मामले न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RM की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, लोढ़ा कमेटी। पूर्व CJ IPSL LTD की संपत्तियों को बेचने के लिए और मोनियाइजन PSL LTD निवेश करने वाले निवेशकों को वापस करने के लिए बिक्री आय का उपयोग करने के लिए समिति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय
के समग्र पर्यवेक्षण के तहत अपने जनादेश का प्रदर्शन करने के लिए सभी रिक्वेस्ट स्टेप्स लिए हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट जो कि सेबी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो दोस्तों इन्होंने भी बताया है कि सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप लोग इस लिंक से भी जा सकते हैं, इस वेबसाइट पर चेक कर सकते। चलिए ओके दोस्त, तो चलिए आगे देखते हैं इसको। मैं इस अभी नहीं, इसको पूरा इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं इस पर देख लूँगा क्या बताया गया है। द कंपनी ने पीएसएल लिमिटेड के निवेशकों से 8 फरवरी 2019 को ऑनलाइन रिफंड एप्लीकेशन प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, यानी आप लोगों को पैसा रिफंड कर लिए। आप लोग जो फार्म भरा गया था वो 8 फरवरी से स्टार्ट हुई थी। निवेशकों द्वारा दावे के लिए दायर किए गए 5000 तक वर्तमान में धन वापसी को प्रभावित कर रहे हैं। वर्तमान धन वापसी प्रक्रिया में दावों के आवेदनकर्ता निवेशकों के पास मूल दस्तावेज और मूल बकाया भुगतान के मूल दस्तावेज के रूप में अपेक्षित दस्तावेज के कब्जे में है, उसी की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करने के अधीन किया जा रहा है। रुपये से अधिक के दावों के साथ अन्य निवेशकों 5000 के रूप में अच्छी तरह से अभिभावक मामले जैसे कि क्लेम एप्लीकेशन फारोग्रोमोमिनेस या लीगल हेयर आर्गे निवेशक के पास कोई रसीद नहीं है या केवल कुछ रसीदों के कब्जे में है या केवल अंतिम रसीद है और या जिनके पास बांड प्रमाण पत्र नहीं है या निवेशक के पास केवल पीएससीएल द्वारा जारी पावती है आदि, ऐसे दावों के संबंध में समिति द्वारा अधिसूचना का इंतजार करने का अनुरोध किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने इस प्रकार के प्रॉब्लम में हैं, तो उन दोस्तों को सेबी ने एक नोटिस दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को इस नोटिस में, अब आप लोगों इस नोटिस पढ़ने के आप लोगों को कुछ राहत होगी, क्योंकि यहाँ पर सेबी ने बता दिया है कि अब आप लोगों को एक सूचना दी जाएगी, उस सूचना का इंतजार करिए कि आप लोगों को जिनके पास रसीद या बांड कुछ भी नहीं है तो वे लोग अपना पैसा कैसे लेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन कैसे क्या किया जाएगा और आवेदन कैसे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस आप लोगों को इतना ही बताना चाहता था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मुझको भी उत्साह मिले, नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को जल्दी से मैं देने वाला हूँ। तो चलिए मैंने एक बार इस लिंक पर क्लिक करके मैं देखता हूँ इसमें क्या बताया गया है। देखिए दोस्त, यहाँ पर भी वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था वही इन्फॉर्मेशन इसमें आ गया है, तो ये आप लोग इसको आकर के पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आप लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सेबी की इन्फॉर्मेशन आप लोग डायरेक्ट लिया कीजिए, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग इधर उधर मत भटके, ठीक है ओके दोस्त। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सेबी के द्वारा ही सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ओके दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। सब्सक्राइब करके रखिए मौर्य जी लाइव टच को और साथ में आई हुए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। थैंक यू दोस्त। हाय दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त राजेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य जी लाइव टच। तो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को मौर्य जी लाइव टच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आए बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को डेली इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो में पूरी तरह से खो जाएंगे और हो सकता है आप लोग भूल जाएं, इसलिए मैं आप लोगों से पहले बता दूं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्त, आप लोगों को हम अपने इन्फॉर्मेशन की ओर चलता हूँ। तो दोस्तों बहुत से दोस्तों का
पेमेंट अभी तक नहीं आया है और कुछ दोस्तों का पेमेंट आया भी है, और कुछ दोस्तों का पेमेंट आया तो है लेकिन उनका जिन्होंने जितना जमा किया उसका यानी कि आधा भी पेमेंट नहीं आया है। तो इसका रीज़न क्या है और इसका जो पेमेंट हमारा पूरा नहीं आया है, कुछ ही आया है या फिर आया ही नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे पा सकते हैं, आज हम लोग इसी टॉपिक पे पूरी तरह से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार रहिएगा इन सभी बातों को जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि हम लोगों को पेमेंट क्यों कम दिया जा रहा है हमारी समझ से, मैं जो समझ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग है या फिर कुछ और है, चले मैं अपने हिसाब से जो बता रहा हूँ उसमें क्या है। मैंने जहाँ तक अनुमान लगाया है कि सेबी ने पिछले जो पोस्ट में 3 दिसंबर को जो बताया था, उन्होंने उसमें बताया था कि मैंने 70 लाख ऐसे इसी के आसपास उन्होंने बताया कि हमने इतने निवेशकों का पेमेंट कर दिया है। तो मैंने एक वीडियो में बहुत से दोस्तों से रिक्वेस्ट किया था कि जितने दोस्त भाइयों ने हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर मैंने उन सभी दोस्तों से वोटिंग मांगा था, तो वहाँ पर बहुत से निवेशकों ने को देखने पर वोटिंग में ये मिला, क्योंकि मैंने अब मैं बता दूं कि वोटिंग में मैंने क्या कहा था। वोटिंग में मैंने ये कहा था कि जिन निवेशकों का भुगतान आ चुका है वे लोग यस कहेंगे और जिन निवेशकों का पैसा नहीं आया है वे लोग नो कहेंगे, या फिर जिन निवेशकों को आया है पूरा आया है या फिर आधा या कुछ भी आया है वो लोग भी बता सकते हैं। तो वहाँ पर देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा पेमेंट नो वाले थे, यानी कि जिनका पेमेंट नहीं आया था, यानी कि वो वीडियो बहुत सबसे ज़्यादा अधिक चली थी, बहुत देखने को मिला था, बहुत सारा उसमें वोटिंग भी मिली थी, उसमें बहुत आप लोगों का सहयोग भी था। तो वहाँ पर यही देखने को मिला कि जो वोटिंग मिली थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा ना मिलने वालों की थी, और लेकिन और से भी बोल रही कि मैंने बहुत से सबसे ज़्यादा निवेशकों का पेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो के जो वोटिंग लगी थी उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 100 में से सिर्फ 1% निवेशकों का भुगतान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 100 में से सिर्फ 1% निवेशकों का भुगतान किया गया था, बाकी निवेशकों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सेबी क्या कर रही है, यहाँ पर सेबी कर रही है हम लोगों के साथ धोखाधड़ी, क्योंकि हम लोगों को पैसा देना नहीं चाहती या फिर पैसा पूरा खा जाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, यही है, यही कारण था कि हम लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया है। तो क्या अब हम लोग जो बहुत से निवेशक कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारा पैसा आएगा भी या फिर नहीं आएगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सेबी ने पिछले वीडियो में यही पिछले जो 3 दिसंबर को इन्फॉर्मेशन दिया था उन्होंने उसमें बताया था कि हम लोगों का पैसा अभी जो नहीं आया है जिन निवेशकों का, उन निवेशकों के लिए फिर से उस पोर्टल को ऑन किया जाएगा कि आप लोग रजिस्ट्रेशन फिर से करें या फिर जिन निवेशकों का रजिस्ट्रेशन गलत है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जिन निवेशकों का साइट पे या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था क्यों गलतियां हुई थी, हम लोगों गलतियों पर भी बात की है। तो दोस्तों यहां पर बता दूं कि सबसे ज़्यादा से भी यहां पर भी उन निवेशकों को पैसा नहीं दिया जिनका बांड यानी जिन्होंने रसीद सब कुछ जमा किया था और उन्होंने उनका भी पेमेंट नहीं दिया। मान लीजिए हमारा पास 5 बॉन्ड हैं, 5 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड का भी पैसा नहीं आया, क्या हमारे 5ों बॉन्ड गलत निकलेंगे, ऐसा तो है नहीं। जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया, जब हमने उसको पूरी तरह से फिलअप कराया है एक एक अच्छा देख करके, तब मेरा गलत कैसे हो सकता है, मैंने खुद स्वयं भरा है, कोई और भरता तब तो मैं अपनी गलती मान सकता था कि हाँ वो गलती कर सकता है, लेकिन जब मैंने स्वयं भरा है एक एक पॉइंट एक एक अक्षर मिला करके तब मेरा गलती कैसे हो सकता है। वहाँ पर भी जिन्होंने यहाँ पर भी गलती की कि जिनका सही होते हुए भी उनका पेमेंट नहीं किया गया, एक सेबी ने यहाँ पर भी गलती की है। तो आप लोग यहाँ पर भी ध्यान पूर्वक सुनिए कि सेबी ने यहाँ पर भी एक गलती की है और सेबी ने यहाँ पर भी सबसे बड़ी गलती ये की है
कि उन्होंने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन गलत है, आपने रजिस्ट्रेशन जो किया है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो सेबी को यहां पर ये करना चाहिए कि जिन निवेशकों का रजिस्ट्रेशन गलत है उन सभी निवेशकों को उनको मैसेज कर दें, उन जिन्होंने जो यहां पर वो उन्होंने लगा जो नंबर लगाया है उस नंबर पर वो बता दें भैया आपका जो आवेदन हुआ है वो गलत है, कृपया आप रजिस्ट्रेशन फिर से कराएं। ये भी सेबी को करना चाहिए, उन्होंने ये भी नहीं किया, या जिससे पता चलता है कि सेबी चोर है और वो हम निवेशकों को पैसा देना नहीं चाहती। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि उन्होंने तो सिर्फ कह दिया कि इन निवेशकों का आवेदन गलत है, ये लोग आवेदन फिर से कराएं, तो इससे क्या हासिल होता है? अरे आप खुद बता दीजिए कि आपका आवेदन गलत है, आपको मैं मैसेज कर रहा हूँ, आप लोग फिर से जा कर के आवेदन कराइए। तो आपने तो बोल दिया कि आप लोगों का आवेदन गलत है, अभी तक आप लोगों ने साइट भी ओपन नहीं किया है, साइट ओपन भी कर दीजिए जिससे कि जिन निवेशकों का आवेदन गलत है वे लोग जा कर के आवेदन करें, जिससे लोग अपना पैसा पूरा पा सकें। अब बात यहाँ पर आती है कि जिन निवेशकों कुछ निवेशकों को आपने पेमेंट किया है, अब दूसरा यानी तीसरा पॉइंट है जो कि बोलते हैं कि हमने इतने निवेशकों का आवेदन कर दिया है। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए आवेदन जो किया है और जो भुगतान किया है, भुगतान आपने किया है जिन निवेशकों का, उन निवेशकों को पूरा पैसा आपने दिया ही नहीं, अब वे लोग क्या करें? क्योंकि मान लीजिए उन्होंने आप यानी उन्होंने 2 लाख का अकाउंट भुगतान उन्होंने अपना जमा किया है 2 लाख, तो आपने उनको सिर्फ 10,000-20,000 ही जमा उनको वापस किया है, तो वे लोग पूरा पैसा कैसे पाएं? इसका भी आप लोगों को सोल्यूशन देना होगा। आप उनको भी ये भी यानी कि वे लोग भी क्या आवेदन कर सकते हैं उसका भी सुविधा बताएं, या भी उस पोर्टल में भी सारी सुविधाएं चालू करें जिससे कि जिन निवेशकों को कम पैसा आया वे लोग भी अपना पूरा पैसा ले सकें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि जिससे कि हमारा पैसा पूरी तरह से हम लोग अपना पा जाएं, भले ही हम लोगों को ब्याज सहित ना मिले लेकिन हमारा जो मूलधन है वो तो मिल ही जाए। तो यहाँ पर सेबी को फिर से चालू करना होगा उन सभी पोर्टल पे को, और उन सभी पोर्टल पे इन सारी सुविधाओं को चालू करना होगा जिससे कि हम निवेशकों को कोई प्रॉब्लम ना हो और हम लोग अपना पैसा पूरी तरह से पा सकें। अगर सेबी पूरी तरह से पैसा देना चाहती है हम निवेशकों का, तो वो पोर्टल को फिर से ऑन करेगी और उसमें ये सब जरूर बता दे कि जिन निवेशकों ने का पूरा पैसा नहीं आया है वे लोग इस टाइप अपना आवेदन करें, जिन्होंने जिनको पूरा पैसा अभी तक कुछ भी नहीं आया है वे लोग इस टाइप इस वाले कॉलम से अपना रजिस्ट्रेशन करें, और जिनका पिछले अकॉर्डिंग यानी कुछ बांड या रसीदें जो खो चुकी हैं वे लोग प्रूफ के तौर पे कुछ ये तरह के यानी कि अलग अलग कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग निवेशकों को सुविधाजनक ऐसा पोर्टल बनाए जिससे हम लोगों को सुविधा हो, कोई भी परेशानी ना हो कि हम निवेशकों को पेमेंट लेने में, क्योंकि आप लोग तो सीधा वहाँ से बोल देंगे कि हाँ भैया आपका ये गलत है, तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारा ये गलत है? क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को उस पोर्टल में वो ऑप्शन देना चाहिए कि किसी का भी कोई भी गलती हो तो उसको एडिट कर सके, उसको सुधार सके, सुधारने के कोई चांस भी नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर सीधा बताया जा रहा है कि आपका ये गलत है। तो यही सब हमारी बातें हैं हम लोगों को सेबी से कि वो जो पोर्टल बनाए उन पर इन सभी सुविधाओं को लागू करें, सुविधाओं को, जिससे कि हम लोगों को आवेदन करने में सुविधाजनक हो। तो दोस्तों आप लोगों को ये इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले थे, अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी बात करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो या फिर कोई और सुझाव देना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अधिक से अधिक निवेशकों तक पहुँचाइएगा, जिससे वे लोग भी हमारे द्वारा बनाए गए इस दिए गए इन्फॉर्मेशन को वो भी जान सके, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की आवाज़ को ही
हथियार बना सकते हैं और पूरा पैसा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब करके रखिए मौर्य जी लाइव टच को इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू आप सभी का हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए, धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।